हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड स्टेइंग सेफ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडियन रेलवेज हैज प्लेड वाइटल पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी और हर रोज लाखों करोड़ लोग इसमें ट्रैवल करते हैं। फाउंडेड इन 1853, इंडियन रेलवेज ने पहली ट्रेन से लेकर अब तक का बहुत लंबा सफर तय किया है, जो कि पॉसिबल हो सका है टाइम टू टाइम इसमें इम्प्रूवमेंट करने से, ताकि इंडिया के दूर दराज के हर शहर कस्बे को इसके साथ जोड़ा जा सके। और अब इंडियन रेलवेज को मॉडर्नाइज करने के लिए एक और स्टेप लिया जा चुका है। ऑन 6 अगस्त 2023 प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस इंडियन रेलवेज की बेटरमेंट के लिए नई स्कीम लॉन्च की है, जिसका नाम है अमृत भारत स्टेशन योजना। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पे थोड़ी बात करेंगे। सो बिफोर आई टॉक अबाउट अमृत भारत स्टेशन योजना, डू यू नो कि इंडियन रेलवेज दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट और एशिया का लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है, विच कवर अप्रॉक्सीमेटली 67,000 किलोमीटर ऑफ ट्रैक एरिया विद अप्रॉक्सीमेटली 13,000 पैसेंजर्स कैरिंग ट्रेन्स, 8,500 फ्रेट ट्रेन्स एंड 7,349 रेलवे स्टेशन के साथ। इंडियन रेलवेज हर रोज तकरीबन 2 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करती है और 13 लाख लोगों को रोजगार देती है। बट इंडियन रेलवे इज फेसिंग अ नंबर ऑफ चैलेंजेस, जैसे कि एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट एंड कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे इज अ नीड ऑफ एन आवर एंड अमृत भारत स्टेशन योजना उसकी तरफ एक पॉजिटिव स्टेप है। इस स्कीम के अंडर इंडिया के अप्रॉक्सीमेटली 1300 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट 2 फेज में कम्प्लीट होगा। पहले फेज में इंडिया की 16 स्टेट्स एंड 3 यूटीज के 508 ट्रेन स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा विद एस्टिमेटेड बजट ऑफ INR 25,000 करोड़, और बाकी बचे हुए स्टेशन को फेज 2 में रीडेवलप किया जाएगा। तो ये थे एक बहुत ही ब्रीफ समरी अबाउट द स्कीम। अब बात करते हैं इसके कुछ फायदे की और क्या चैलेंजेस आ सकते हैं टू इम्प्लीमेंट दिस कम्प्लीट स्कीम। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये स्कीम के क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि सभी स्टेशन्स पर नए प्लेटफॉर्म, वेटिंग रूम्स और स्पेशियस पार्किंग बनाई जाएंगे। इन स्टेशन्स पर वाईफाई कवरेज के साथ साथ एस्केलेटर्स और एलिवेटर्स की भी फैसिलिटी दी जाएगी। ये सब पैसेंजर का ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेन ट्रैवलिंग इंप्रूव और कन्वीनियंट करेगा। दूसरा है इंक्रीज सेफ्टी। इन स्टेशन पर सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमराज इंस्टॉल किए जाएंगे, नई इंप्रूव्ड और एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा और साथ ही बेटर क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम भी होगा। तीसरा है बूस्टेड टूरिज्म, यानी कि मोर टूरिज्म। जब इस प्रोजेक्ट के अंडर स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा, इट विल नॉट ओनली डेवलप द स्टेशन बट इट विल बूस्ट टूरिज्म इन द सराउंडिंग एरियाज। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं पंजाब की। पंजाब के कुछ स्टेशन जैसे कि अनंतपुर साहिब, जो कि फेमस है केशगढ़ साहिब गुरुद्वारे के लिए और नैना देवी टेम्पल के लिए, उसे सिलेक्ट किया गया है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ अपने होम टाउन नंगल की, जो कि फेमस है भाखड़ा और नंगल डैम के लिए, उसे सिलेक्ट किया गया है। उसी तरह यूपी का प्रयागराज फेमस है त्रिवेणी संगम के लिए, वाराणसी फेमस है गंगा घाट के लिए। ये सब स्टेशन को जब रीडेवलप किया जाएगा तो लोग और आसानी से यहाँ पहुँच पाएंगे। चौथा है मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। जब भी कोई इस स्केल का प्रोजेक्ट आता है तो बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ओपन होती हैं। जॉब्स इन कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स विल आल्सो इंक्रीज। और आखिरी है इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब एक शहर का टूरिज्म बढ़ेगा, उसमें जॉब्स बढ़ेंगी, उसकी कनेक्टिविटी देश के साथ अच्छी होगी, तब डायरेक्ट इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। ईज ऑफ बिजनेस के साथ साथ नए स्मॉल मीडियम बिजनेस भी इस्टेब्लिश होंगे, विच विल ओवरऑल बूस्ट द इकोनॉमी। तो ये थे फायदे इस स्कीम के। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव साइड्स या कुछ चैलेंजेस की इस स्कीम को लेकर। सबसे पहला है कॉस्ट। इस स्कीम का ओवरऑल बजट काफ़ी हाई लग रहा है, विद द एस्टिमेटेड बजट ऑफ 25,000 करोड़ रुपीज। बट अभी स्कीम की डिटेल्स पूरी तरह से पब्लिश नहीं हुई है, दो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि गवर्नमेंट कैसे फंड रेज करेगी और इसमें कितनी एंट्री प्राइवेट कंपनीज की होगी। दूसरा है टाइम फ्रेम एंड इम्प्लीमेंटेशन। इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट इज टारगेटेड बाय 2025, यानी तकरीबन 24 से 28 मंथ। ये काफ़ी एम्बिशियस स्कीम है एंड रेलवे के हर जोन में इम्प्लीमेंट हो रही है।
इवन दो कुछ स्टेशन पे ऑलरेडी काम स्टार्ट हो गया है, बट अगेन इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ क्विकली इट विल प्रोग्रेस और कितने स्टेशन 2025 तक कंप्लीट हो पाएंगे। तीसरा है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। जब भी इस स्केल का प्रोजेक्ट आता है, इन्वायरमेंटल इस्पेक्ट हमेशा ही एरिया ऑफ कंसर्न रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग्स, फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेम्प्ररी या परमानेंट उस एरिया के इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट डालते ही हैं। बट ये देखना होगा कि इस स्टेशन को रीडेवलप करने के लिए उसके कितने एरिया को रीयूज किया गया है और उस एरिया के इन्वायरमेंट पे इसका किस तरह का इम्पैक्ट होगा। तो ये थे कुछ प्रोज एंड चैलेंजेस ऑफ द न्यू स्कीम। ओवरऑल इंडियन रेलवेज को इम्प्रूव करने के लिए ये स्कीम एक मेजर इनिशिएटिव है। मोर और लेस इस स्कीम का रिजल्ट इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करेगा। अगर इसे डेवलप इंडिया के विजन के हिसाब से इम्प्लीमेंट किया गया तो इट हैज़ हाई पोटेंशियल टू चेंज इंडियन रेलवेज फॉर गुड एंड टू बूस्ट आर इकोनॉमी इन द कमिंग ईयर्स। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स योर थॉट्स ऑन द स्कीम। थैंक यू।